नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर जब भी आप सुबह और शाम की चाय गली नुक्कड़ पर पीने जाते होंगे तो आप चाय का लुत्फ तो उठा लेते हैं और कप को वहीं कहीं आसपास फेंक देते होंगे, जिससे सबसे ज्यादा असर पर्यावरण पर देखने को मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक के कप के प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। लेकिन अब आप यह सवाल पूछेंगे कि चाय अगर पियेंगे तो कप तो फेंकेंगे ही, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चले कि अब आपके पास चाय पीने का विकल्प तो है ही, साथ ही आप कप भी खा सकते हैं, तो आप जरूर मेरी इस बात को सुनकर शॉक होंगे। लेकिन अब ऐसा सच होने वाला है। बिहार की राजधानी पटना जंक्शन पर जल्द ही महानगरों की तरह ही लोग मैजिक टी का लुत्फ उठा सकते हैं। IRCTC की तरफ से जल्द ही इस व्यवस्था की शुरुआत होने वाली है। मैजिक टी में चाय पीने के साथ मिलने वाले कप को फेंकने की जरूरत यानी कि अब नहीं होगी। चाय की चुस्की लेने के साथ कप को लोग अब खा सकेंगे। साथ ही मैजिक टी में चाय पीने से अलग तरह का स्वाद और अनुभूति भी होती है। हालांकि बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां इस मैजिक चाय की सुविधा मिलने वाली है। मुंबई, बैंगलोर सहित अन्य महानगरों में बड़े स्टेशनों पर लोगों को मैजिक टी का आनंद मिल रहा है। यह व्यवस्था शुरू होने से सामान्य तौर पर चाय पीने के बाद उसका रैपर यहाँ वहाँ बिखरा नहीं रहेगा। इससे प्लेटफॉर्म और आसपास के जगहों पर गंदगी नहीं दिखेगी। दानापुर स्टेशन पर IRCTC की दुकान फूड ट्रैक में मैजिक टी की सुविधा उपलब्ध है। मैजिक टी का आनंद लेने के लिए सामान्य चाय की कीमत मात्र 15 रुपए अधिक खर्च करनी होगी। 15 रुपए में चाय और इस्तेमाल कप यानी कि बिस्कुट की कीमत ही अकेले 10 रुपए होती है। यानी कि इस चाय का लुत्फ उठाने के लिए आपको कुल मिलाकर 25 रुपए खर्च करने होंगे। सामान्य चाय की कीमत जहां 10 रुपए है, वहीं बिस्कुट का डिजाइन मिट्टी से बने कुल्हड़ की तरह है। भले ही इस चाय को पीने के लिए आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़े से पैसों से अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए छोटा सा कदम अगर बढ़ा सकते हैं तो इससे हमें और आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इस चाय को पीने से बहुत फायदे हैं। यही कारण है कि महानगरों में भी इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हालांकि बिहार में यह लोगों को कितना पसंद आता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है। और आगे यह कदम कितना कारगर साबित होता है, लोगों को यह कितना पसंद आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मैजिक टी का मैजिक लोगों पर किस हद तक देखने को मिलता है, इसका पता हमें बस कुछ समय में ही लग जाएगा। हालांकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।